आज फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठेकेदार को हाथ जोड़ते नजर आए हैं, गंगा पाथवे का उद्घाटन करने पहुंचे थे। देखिए, इस तरह की बहुत सारे एपिसोड हो चुका है। अब मुख्यमंत्री जी का कोई सुन नहीं रहा है, या मुख्यमंत्री जी जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं कि अगर मतलब, ये दुर्भाग्य हुआ ना कि आप लोकतंत्र में आपको मतलब अपने अफसरों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, और एक जनता का चुना मतलब एक तरह से मुख्यमंत्री सरकार है, जनता की चुनी हुई है, और उसको इस तरह से करना पड़ रहा है। क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि क्यों इतनी बेवकूफ़, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो गए हैं। नहीं, बहुत सारे एपिसोड में तो यही कर रही हूँ, बहुत बार ये हो चुकी है इस तरह की घटनाएं, बट समझ नहीं पा रहे, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है सरकार में, आखिर सब कुछ ठीक है नहीं ठीक है, चल क्या रहा है, आखिर सरकार कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या जो जन जो हम लोग कहते हैं, जो जनता भी ये आरोप लगाती है कुछ लोग सरकार चला रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है। आज एक इंग्लिश अखबार में छपा है अयोध्या के बारे में कि कैसे एक धर्म की नगरी पूरे लैंड माफियाओं, खासतौर पे बीजेपी के नेता, यूपी के अधिकारी, इवन आंध्र अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के बेटों के नाम पे वहाँ जमीन खरीदी जा रही है। तो धार्मिक, देखिए ये जब चुनाव चल रहा था तो इस तरह के बहुत सारे जो नेशनल चैनल तो इन सब मुद्दों को नहीं दिखाया देश की जनता को, लेकिन कुछ जब जो लोकल जो पोर्टल्स पे या यूट्यूबर्स और इस तरह की जो चैनल्स थे, उन्होंने इसको बखूबी बहुत अच्छे तरह से इस मुद्दे को उठाया कि आखिर अयोध्या में हो क्या रहा है। वहाँ पे ग्रामीणों के, किसानों के, जो लोग आम लोग थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, उनकी ज़मीनें ले ली गई और उनको उचित मुआवजा आज तक नहीं मिला है। तो मतलब इस तरह की घटनाएं तो जांच करनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि राज्य का मामला है, तो जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, इसको देखना चाहिए। और जो खासतौर पर जो गरीब हैं, जो किसान वर्ग की जिसकी इस तरह से भूमि ली गई है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और जो इसमें गलत तरीके से अगर किसी ने उनकी ज़मीन ली है, तो उसको ज़मीन उस किसान को या उस गरीब को या छोटे व्यापारी, उनको वापस करना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है, उसको अच्छे से वो देखें। एक आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहिएगा, आम दिन आए दिन लगातार जो जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, बैंक रिकॉर्ड हो रही है। देखिए, देश का ये दुर्भाग्य है कि लोग आज की घटना पे या आज की बात नहीं करते हैं, वो आज भी 50 साल पहले बीते हुए इमरजेंसी की बात करते हैं। तो सभी को संवेदनशील बनना पड़ेगा, और जो आज घटनाएं घट रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको आज के जो हो रही है घटनाएं, उस पर उनको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और जो विपक्ष है, उस वो सवाल उठाते रहेंगे, तो ये सत्ता, अभी आप कहिए जंगल राज, आप जैसे आप कहते हैं एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, वो कहते हैं कि आप 20 साल पहले 25 साल पहले की बात लगते शुरू कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं आज की, बात करें कि आज जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मतलब आए दिन आपको देखने को सुनने को मिल जाता है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ कहा जाता है यहाँ पे, तो मीडिया अच्छे से इस मुद्दे को नहीं उठाती है, उसको उठाना चाहिए। आप जब तक मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार संवेदनहीन बनी रहेगी। तो आप सबको मुद्दे उठाने चाहिए, और ये बिहार राज्य के हित में है, बिहार के जनता के हित में है, तो आपको मुद्दे इस तरह के उठाने चाहिए। बहुत सारे पोर्टल्स में देखिए आए दिन आप देखिए कि कहीं अपहरण का हो रहा है, कहीं किसी को गोली मार दी जा रही है, तो आखिर हो क्या रहा है। मैं बार बार यही प्रश्न पूछ रही हूँ कि आखिर सरकार चला कर रहा है, जो जनता ने चुन के जिनको भेजा वो सरकार चला रहे हैं, या चंद जो चार पांच लोग, जो आठ लोगों के नाम आते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो लोग चला रहे हैं। तो इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री जी को भी आगे आके मीडिया के सामने और बिहार की जनता को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। बार बार मुख्यमंत्री को गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है, उनको पैर क्यों छूना पड़ रहा है।